अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं कीमा मुगलाई पराठा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये पराठा मैंने लेफ्टओवर कीमा के साथ तैयार किया है। आप चाहे तो फ्रेश कीमा के साथ भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो देखिए यहाँ पे मैंने लेफ्टओवर कीमा लिया है, यह पका हुआ है ऑलरेडी, मसाला के साथ मैं पका चुकी हूँ इसे। तो अभी मैं इसके साथ चॉप्ड ऑनियन डाल रही हूँ, प्याज और एक अंडा डाल रही, मिक्स कर रही हूँ इसके साथ। तो इसमें अभी मैं कुछ मसाले नहीं मिलाऊंगी क्योंकि कीमा के साथ ऑलरेडी सब कुछ है मसाले। तो मैं सिर्फ अंडा और प्याज के साथ इसे मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने मैदा, ऑयल और नमक के साथ मैंने नरम सा डो तैयार किया था और 2 घंटे के लिए मैंने फ्रीज में रखा था। तो अभी मैं डो को एक रोटी बेलूँगी अभी, और पतला सा एक बड़ा साइज का एक रोटी बेलना है इसे। ये देखिए मैंने पतला और बड़ा साइज का एक रोटी बना लिया है। इसे पतला करना है क्योंकि इसे फोल्ड करना है, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो अभी मैं इसको स्टफिंग कर रही हूँ कीमा के साथ। तो इसी तरह बीच में स्टफिंग करें कीमा के साथ। और अभी मैं फोल्ड कर रही हूँ इसे, एक एनवेलप की तरह इसे फोल्ड करना है चारों तरफ से। बिल्कुल इसी तरह इसको फोल्ड करना है। और अभी मैं इसे फ्राई करूँगी। तेल गरम कर लिया है मैंने और तेल में अभी मैं पराठा डाल दिया है और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करना है दोनों तरफ ब्राउन होने तक। लो फ्लेम पर अगर फ्राई नहीं करेंगे तो ये अंदर से कच्चा रहेगा क्योंकि अंदर अंडा है। तो अंडा पकने के लिए इस बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है, इसे फ्राई करना है और क्रिस्पी भी नहीं करना है, इसीलिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे धीरे धीरे इसे फ्राई करें। तो ये देखिए पराठा बिल्कुल तैयार है। अभी मैंने इसके साथ 2 पराठा तैयार किया था तो बिल्कुल क्रिस्पी बना है ये। अभी मैं आपको काट के दिखा रही हूँ इसे। ये देखिए बिल्कुल अंदर से पक चुका है। तो ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।